उत्तराखंड दौरा का दूसरा दिन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उधम सिंह नगर पहुंचे। यक रुद्रपुर में नड्डा ना स्वतंत्रता संग्राम में शहीद सेनानियों थे श्रद्धांजलि दी। जैके बाद ऊना स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का परिजनों से मुलाकात भी करी। ये दौरान नड्डा ना रुद्रपुर में बंगाली समाज का लुक थे संबोधित भी करी। ये मौका पर सीएम धामी भी मौजूद रहनी। कार्यक्रम का बाद जेपी नड्डा वापस दिल्ली खुण बोर्ड गिन। दिल्ली का उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज अपना द्विदिवसीय दौरा पर उत्तराखंड पहुंचिन। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचुड़ पर ऊंकू आप कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत करी। वकी देहरादून में आयोजित कार्यक्रम का दौरान मनीष सिसोदिया बोली, उत्तराखंड का सपनों थे साकार करने में जुटिया छिन कर्नल कोठियाल। आम जनता का बीच पैठ बनानी च आम आदमी पार्टी। राजधानी दिल्ली में बढ़िया वायु प्रदूषण खुण उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पंजाब और हरियाणा थे जिम्मेदार ठहराई। उन बोली, दुई राज्यों में पराली जलान से दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ी उच्च। एक सर्वे रिपोर्ट में भी ये क्लियर हो गया कि दिल्ली में 36% प्रदूषण पराली को धुआं से हुई उच्च। ऋषिकेश का मुनि की रेती में आज से अंतर्राष्ट्रीय मसाला एवं सब्जी महोत्सव की शुरुआत हुएगी। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने ये महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करी। अपना संबोधन में मंत्री सुबोध उनियाल ने बोली, किसानों की आय दुगनी करना खुण सरकार संकल्पबद्ध। यन महोत्सव से स्थानीय काश्तकार थे मिललू अंतर्राष्ट्रीय बाजार। आगामी 11 दिसंबर का दिन होने वाली आईएमए परेड की सलामी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ले सक दिन। हालांकि अभी ये की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुए। कोविड प्रोटोकॉल का चलदा ईदा भी परेड को मीडिया कवरेज सीमित रालू। वकी ईदा परेड को लाइव प्रसारण भी किए जालू। अंतर्राष्ट्रीय मैराथन धावक अतुल कुमार चौक से इन दिनों उत्तराखंड का गौमुख से गंगा सागर तक की पैदल यात्रा पर निकले छिन। अतुल मूल रूप से महाराष्ट्र का नागपुर का रहने वाला छिन। 6 नवंबर बटी अतुल ने अपनी यात्रा शुरू करी। उनको यात्रा को उद्देश्य लुक्त है ग्लेशियर बचाण और प्रदूषण मुक्त गंगा को संदेश दी। परिवहन मिनिस्टर कर्मचारी संघ का सभी कर्मचारी अपनी एक सूत्रीय मांग थे लेकी आज से कार्य बहिष्कार पर चली गिनी। प्रदर्शनकारियों ने सरकार थे चेतावनी भी दे की जब तक उनकी मांग पूरी नहीं भेजा दी उनको कार्य बहिष्कार जारी रालू। हल्द्वानी का MBPG कॉलेज में एडमिशन की सीट बढ़ाने की मांग थे लेकी AVP छात्र नेता कई दिनों से प्रदर्शन करना छिन। वकी कॉलेज प्रशासन द्वारा उनकी मांग पर कोई गौर नहीं किए जानू छन। में आज एडमिशन सीट बढ़ाना की मांग थे लेकी प्रदर्शनकारी छात्रों ने कॉलेज में शुद्धि बुद्धि यज्ञ करी। उत्तराखंड पुलिस का जवानन एक बार फिर प्रदेश को मान बढ़ाई। ऑल इंडिया पुलिस आर्चरी की 10वीं चैंपियनशिप में उत्तराखंड पुलिस का एक जवानन 50 मीटर कंपाउंड ग्राउंड में गोल्ड मेडल अपना नौकरी। उत्तराखंड पुलिस थे स्वर्ण पदक दिलाने वाला जवान संतोष कुमार को पुलिस मुख्यालय में DGP अशोक कुमारन सम्मानित करी। बॉलीवुड की हसीन जोड़ी में सुमार दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह अल्मोड़ा की हसीन वादियों में 3 दिन बिताना बाद मुंबई वापस बोर्ड गिन। अपन रिजॉर्ट से रणवीर और दीपिका सड़क मार्ग से डीना पानी हेलीपोर्ट पहुंचा छा। जग बटी उन करीब 3 बजे दोपहर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट अखुण उड़ान भरी।